मलेशिया के नए राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने गद्दी संभाल ली है। आपको बता दें कि वह एक अरबपति व्यवसायी भी है। वहीं 65 साल के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने कहा कि वह निष्पक्षता और न्याय के साथ सरकार चलाएंगे। वहीं मलेशिया में अपनी तरह की एक अनूठी राजशाही है, जिसमें गद्दी की जिम्मेदारी बारी बारी से 9 राज्यों के शाही परिवारों के बीच वितरित की जाती है। सभी राजा को शासन करने के लिए 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है। वहीं मौजूदा वक्त में राजा देश के जोहोर प्रांत से है। माना जाता है कि उनके पास 5 अरब से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं मलेशिया में राजा की भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है, लेकिन संसदीय गतिरोध की स्थिति में वह राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकता है।